अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। ओके तमाम जो है ये है ना, अभी आगे आप लोग पहले बाउंड्री वॉल मारने लगा होगा क्या? हाँ शुरू होगा क्या नहीं? पहला सवाल ये है हमारा, वो होगा ही। ये शुरू ये है कि जब तक के गवर्नमेंट अगर आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू खबजा अगर नहीं दी, जॉइंट सर्वे नहीं हुआ, तो आपका कोई काम हुआ ही ना। मीडिया में बोल देंगे जो रिपोर्ट आई है कि इस जमीन के ताल्लुक से केस चल रहा है। अच्छा। तो 6 साल में अब तक जो ना किसी मैयत को यहाँ पर लाने नहीं दिया गया। वक्त का पति पे खर्चा कौन करेगा? तो 6 साल पहले जो बता के धोखा दिया गया था, आज भी फिर वही बताया जा रहा। हमको सवाल ये करना है, 6 साल पहले जो जमीन का ऐलान किया गया था वो कहाँ है? अब जो बताई गई है ये जमीन कौन सी है? 6 साल से अभी तक एक खबर नहीं बनी। लोगों निकालो, लोगों ले लो। 6 साल से सुन रहे हैं भाई, चिरागर है कहाँ? सवाल ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। आज से 2 दिन पहले वक्फ बोर्ड चेयरमैन यानी मोहम्मद सलीम साहब है, तारीख क्या तारीख थी? 22 जून को मोहम्मद सलीम साहब इस इलाके में यहाँ पर आज हम जहाँ ठहरे हुए हैं और यहाँ पर वक्फ बोर्ड का जो है ना कब्रिस्तान का बोर्ड लगा भी गया है, चेयरमैन सलीम साहब यहाँ पर इस बात का ऐलान किए कि ये मुसलमानों की मैयतों की तदफीन के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से यहाँ पर कब्रिस्तान की तामीर का आगाज़ किया जा रहा है। अब मैं चेयरमैन साहब से सवाल करता हूँ और चेयरमैन साहब के अलावा जनाब महमूद अली साहब जो डिप्टी CMB थे, आज वज़ीर दाखला है, और हमारे में CM जनाब चंद्रशेखर राव साहब से भी मैं सवाल करता हूँ कि 2014 में जब TRS हुकूमत इलेक्शन जीत कर आई थी, उसके बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जो है ना इस बात का ऐलान किए थे कि पहाड़ी शरीफ के दामन में 10 एकड़ ज़मीन कब्रिस्तान के लिए मुकर्रर की गई है और वहाँ पर जंगी खतूत पर काम चल रहा है और वहाँ पर गुसलखानों की तामीर भी की जाएगी और लावारिस मैयतों के लिए वक्फ बोर्ड अपनी निगरानी में उनकी तहजीद व तदफीन का इंतज़ाम करेगा। तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि 6 साल का अरसा होने के बाद आज तक किसी एक मैयत की तदफीन नहीं हुई और उस 6 साल के वक्फे में कब्रिस्तान का कोई काम नहीं हुआ। अब जबकि शहर में एक मुस्लिम मैयत को शमशान घाट में दफन कर दिया गया है और शहर के लोगों का, मुसलमानों का शऊर बेदार हुआ और वक्फ बोर्ड की बेहिसी पर जब उंगलियां उठने लगी तो चेयरमैन सलीम साहब ने एक और तुरप का पत्ता फेंक कर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की है। ये ज़मीन लाकर मीडिया को बताकर मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश की गई है कि वक्फ बोर्ड जो है ना मुसलमानों की तहजीद व तदफीन के लिए बिल्कुल जो है ना पाबंद है, हम उसके लिए कोशा हैं। मैं अवामुन्नास को और मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, ये चेयरमैन मोहम्मद सलीम की सरासर ये साजिश है, झूठ है, फरेब है। अब मैं आपको इस मीडिया के ज़रिए बतलाता हूँ, आप लोग ज़रा सड़क की तरफ फिरिए, आप ये तारों को देख लीजिए कि 30 फीट की ज़मीन सड़क से जो ना अंदर आ रही है और इधर बाजू के हिस्से में यहाँ देखिए ये डिफेंस की दीवार है और डिफेंस के कानून के मुताबिक जब तक के डिफेंस के जानिब से नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं मिला जाता कोई काम नहीं किया जाता और मीडिया को यहाँ पर खड़े रहकर 10 एकड़ ऐसा बता दिया गया है। क्या यहाँ की कोई हिसाबबंदी है, कोई हद है, कोई हुदूद है? और इसके लिए आपके पास प्रोग्राम क्या है?
और अहम सवाल ये है कि शहर से यहाँ पर मैयतों को लाने के लिए क्या इंतजाम थे। आज ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल 3 साल से मुसलसिल वक्फ बोर्ड से और KTR से होम मिनिस्टर से मुतालबा कर रहा है कि शहर हैदराबाद में मैयतों की मुंतकली के लिए वक्फ बोर्ड से गाड़ियों का इंतजाम किया जाए, लेकिन अभी तक कान पे जू नहीं चली। अब यहाँ पर और एक धोखा दिया जा रहा है। और आपको याद दिला दूँ, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ कि वक्फ बोर्ड की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि मुस्लिम नादार मैयतों के लिए, अखबार में और आपके मीडिया में ये जुमला मौजूद है, गरीब व नादार मैयतों के लिए, और अखबार में ये हेडिंग आई थी गुरबा के लिए। अब ये मुसलमानों की मैयतों के साथ मजाक नहीं तो क्या कहा जा सकता है। जब हेल्पलाइन पर फ़ोन किया जाता है तो ये पूछा जाता है कि आप मरहूम के कौन होते हैं, जब वो कहता है मैं बेटा हूँ तो वहाँ से जवाब मिलता है कि ये लावारिसों के लिए है। क्या ये चेयरमैन मुसलमानों के जज्बा से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? ये चेयरमैन मुसलमानों को जो ना गुमराह नहीं कर रहे हैं? ये अपनी सीट बचाने के लिए ये जो है ना नाहक तरीके से गैर कानूनी तौर पर वक्फ बोर्ड से जो है ना एक आर्डर लेकर ये कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जब तक कि इनकी मियाद ख़त्म हो चुकी है। आखिर मुसलमानों के साथ ये खिलवाड़ कब तक किया जाएगा? मुसलमानों को ये धोखा कब तक दिया जाएगा? अब मुसलमान बेदार हो चुका है। चेयरमैन साहब के ये चॉकलेट की पॉलिसी अब काम आने वाली नहीं है, और हमारे CM साहब को बेदार हो जाना चाहिए। वो ये समझ रहे हैं कि उनके रफ़ा मुसलमानों की भलाई का काम कर रहे हैं। कोई जो है ना कैबिनेट मिनिस्टर मुसलमानों की भलाई का काम नहीं कर रहा है। कोई मुसलमानों के जो है ना बुनियादी मसाइल को हल करने के तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। KCR साहब, मैं आपसे कहता हूँ कि इन लोगों पर आप नज़र रखिए, मुसलमानों के जज्बात से खेला जा रहा है और मुसलमानों को नुकसान पे नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इस सलीम की दौरे मियाद में औकाफ इमलाक की जितनी तबाही हुई है, किसी के दौर में इतनी तबाही नहीं हुई है। आज शहर में आज 5 कब्रिस्तान की मैं निशानदेही कर सकता हूँ। 14 एकड़ 15 एकड़ कब्रिस्तान शहर में मौजूद है, वक्फ बोर्ड की लापरवाही का शिकार है। अगर उन कब्रिस्तानों की हिसारबंदी की गई तो 10 साल तक तदफीन का मसला हल हो सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड तमाशा ही बना हुआ है। जियागुड़े में 14 एकड़ ज़मीन है और दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं, हम वहाँ पर काम कर रहे हैं, और वक्फ बोर्ड के चक्रा काटते काटते थक गए बाउंड्री के लिए। हमारे चेयरमैन साहब को आके मुआयना करने के लिए वक्त नहीं है, और शहर से दूर 20-25 किलोमीटर दूर आकर यहाँ मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं आप, मुसलमानों की मैयतों से खिलवाड़ कर रहे हैं आप। लानत है आपके ऊपर। अगर आपको अभी भी शर्म नहीं आई तो दुनिया में आपके सर का बेशरम इंसान कोई भी नहीं है। मैं बबांगे दहल कहता हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपनी सीट के लिए मुसलमानों की मैयतों से भी खिलवाड़ करने का जो ना आप बाज नहीं आए, इससे भी पीछा नहीं हट रहे हैं, तो इससे बड़ी जो है ना एक ईमान की कमज़ोरी क्या हो सकती है। और फिर आप कहते हैं कि मैं मुसलमानों का हमदर्द हूँ, मैं तनख्वाह नहीं लेता। किसके ऊपर एहसान कर रहे हैं आप? तनख्वाह नहीं लेता बोलने की आपकी जो ना ये वजह क्यों पेश आई, मैं पूछना चाह रहा हूँ। हमारा वक्फ बोर्ड मुफलिसों नादार नहीं है, हमारे आबा अजदाद करोड़ों की इमलाक रख कर गए हैं। आपकी मर्जी है, आप उधर से नहीं लेके दूसरी तरफ से 4 गुना ले रहे हैं आप। मैं खुला कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। मैं हकीम खैरुद्दीन सूफी चेयरमैन वक्फ बोर्ड को चैलेंज कर रहा हूँ कि जितने हैदराबाद में कब्रिस्तानों में 1-2 लाख रुपये लिए जाता है, आप वाकिफ है उससे, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करने का दम नहीं रखते। आप में दम नहीं है, आप मजबूर हैं, आप बेबस हैं, आप सिवाय ऐलानात के कुछ भी नहीं कर सकते। मैं हमारे CM साहब से गुजारिश करता हूं कि खिलवाड़ करना बंद करिए। अगर ये ज़मीन वाकई कब्रिस्तान के लिए अगर क़ायम की गई है तो फौरी तौर पर यहां पर काम करके बताइए आप, और मैयतों को लाने के लिए फौरी गाड़ियों का इंतज़ाम कीजिए। ये हमारा आपसे डिमांड है। अब मैं मौलाना हामिद हुसैन सुतारी साहब, ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ है, और हमारे सैयद सलीम साहब, ये भी जो ना सामाजिक कारकुन है, ये भी हमारे साथ है, इंशाअल्लाह ताला ये भी कुछ कहेंगे। आई रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं मोहम्मद सलीम अहमद, तेलुगुदेशम पार्टी हैदराबाद ग्रेटर जनरल सेक्रेटरी। आज जो है ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल की तरफ से खैरुद्दीन साहब की जो है बोलने पे मैं यहाँ पे आया हूँ। ये जिम्मेदारी है एक मुसलमान की हैसियत से, माइनॉरिटी की हैसियत से, और मैं आप सबको बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ।
सलीम अकबर साहब दो रोज़ पहले एक बोर्ड लगा दिया, 200 रुपये का बोर्ड लगा, 4 रुपये का कलर कर दिया, चले गए। ये मजाकी है, मुसलमानों के साथ मजाक कर रहे हैं, दीन के साथ मजाक कर रहे हैं। जो पैसे देकर सीट लेता, जो पहले तेलुगुदेशम में सीट लिए चेयरमैन की, अब टीआरएस में ले लिए, ऐसे लोगों का कोई एतमाद, कोई मजहब, कोई ईमान नहीं होता। चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से मेरी गुजारिश है, आप हुकूमत करते आ रहे हैं मुसलमानों के बलबूते पर, तारीख उठा के देख लीजिए, जो मुसलमान से बैर करा नस्तो नाबूद हो गया। कांग्रेस को देख लीजिए, आपके सामने जिंदा मिसाल है। और केसीआर साहब से मेरी गुजारिश है, ये महमूद अली को बरतरफ करिए, ना एलानर मेंटेन कर सकते, नहीं एक चेयरमैन अकबर सलीम को बरतरफ करिए। जिंदगी पूरी 9 साल तेलुगुदेशम में थे, अकबर की जमीन बेच के खा गए, आज एक अकबर लाइन बोल के जो है ऐलान कर दिए। जो बाजू डिफेंस की दीवार है, जो डिफेंस की बगैर परमिशन के वहाँ किला नहीं मार सकते, खबरस्तान तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है आप लगाए, बहुत अच्छी बात है। 2 दिन नहीं 4 दिन होगा लगा के, आज तक न कोई काम शुरू हुआ न कोई मैयत आई, और आप लगाए जब से अब तक 17 मैयत आओगे हैदराबाद शहर में। पुराने शहर की लड़कियाँ अपनी माओ की जनाजे लेके पर रही, और सबसे पहले दवाखाने काम करिए, जो लेडीज़ के दवाखाने पुराने शहर में हैदराबाद में है, उन दवाखाने के डॉक्टर्स को टेम्पररी डॉक्टर्स को ला के रखिए, कोरोना के ले लो। रोडों पे बेताशा मर रहे, सलीम साहब आपकी मौत घर में है, रोड पे है, अल्लाह से डरिए, आपको भी खबर में जाना है, मौत किस कोने पे खड़ी है नहीं मालूम। जब तक तेलुगुदेशम इख्तदार पे थी, लाइन ऑर्डर पावर में था, वक्त बोर्ड के साथ नान सेफ भी नहीं थी, जिसकी जिंदा मिसाल हज हज बनाया गया, जो 50 साल 60 साल में कोने बनाया गया। और ये केसीआर साहब का ऐलान था कि वक्त बोर्ड जो है यहाँ तकमील करेंगे, हज हज बनाएंगे, पहाड़ी शरीफ के पास ओल्ड एज होम बनेंगे, बोल के आज तक उसका किला भी नहीं मारा गया। 12% का भी बहाना बना के जो है आज अपनी शराब पी लेते हुए जिंदगी घर में गुजारे, बाहर निकले केसीआर साहब, हुकूमत कर रहे हैं, पब्लिक की तकलीफ देखिए। आपके घर में कोरोना आ गया तो जब आप कैसा होता, आज मुसलमान गली गली फिर रहे, डॉक्टर्स नहीं ले रहे, कहाँ जाना मुसलमान। इसके लिए अवेसी हॉस्पिटल में दाखिला दिलाइए, गवर्नमेंट से अटैच कराइए, आसरा में कराइए, और उस्मानिया हॉस्पिटल में करिए, ये मुसलमानों की जागी है। उस्मानिया को मुसलमान का ट्रस्ट है, मुकरम जा का ट्रस्ट है, मगर किसी मुसलमान की हमदर्दी नहीं हो रही, किसी मुसलमान का इलाज नहीं हो रहा, वन साइड चल रहा। आपसे गुजारिश है अकबर सलीम को पहले बरतरफ करिए, जो 10 एकड़ जमीन पहाड़ी शरीफ हदूद में पीएस के सामने दिया गया है खबरस्तानों के लिए, पहले उसकी साफ सफाई कराइए। रोज मुर्दे शुरू है, आप साफ सफाई कराने के टाइम में शुरू हो जाते, इतने मुर्दे रोज मर रहे लोग। आपका ऐलान कर दिए, हुकूमत जाने के बाद क्या तकमील कराते क्या? जो भी मेरे को ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसल की तरफ से, खैरुद्दीन साहब के तरफ से मौका दिया गया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जय तेलुगुदेशम, जय हिंद, सलाम अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद हामिद हुसैन शुतारी, सदर ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड, अवामुन्नास और खुसूसन वक्फ बोर्ड के उन जिम्मेदारों से मुखातिब हूँ जो ये दावा कर रहे हैं कि पहाड़ी शरीफ के करीब 10 एकड़ ज़मीन जो है हम खबरस्तान के लिए महफूज किया है। आप अंदाज़ा लगाइए, क़ानूनी मामला ये है, अगर कोई ज़मीन वक्फ की डिक्लेयर हो रही है तो आपको गज़ट जारी करना पड़ेगा, आप सर्वे नंबर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ना गज़ट जारी की गई, ना सर्वे नंबर डिक्लेयर किया गया, और ना जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो है कोई नो ऑब्जेक्शन जो है ये लिया गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो है सिर्फ आवाम को धोखा दिया जा रहा है, और इस कब्रिस्तान को डेवलप करने के लिए 2014 से मुसलसिल जद्दोजहद हो रही है, लेकिन आज तक ये कब्रिस्तान डेवलप नहीं हो सका। और जो है आप ये नया कब्रिस्तान जब आप डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए उसूल है, आप बेहतरीन डेवलपर के हवाले कीजिए, आप शहर में बेहतरीन इंजीनियर्स हैं, वो जो है बहसीत मुसलमान के आपके साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं, आप जॉइंट सर्वे करीजिए, और उसके बाद बाउंड्री का जो है आप डिक्लेरेशन कीजिए, शुमाल जुनूब मशरिक मगरिब बोर्ड लगाइए। अभी हमारे हकीम खैरुद्दीन साहब ने जो है बहुत बुनियादी बात कही कि हमारे सामने जो है डिफेंस की दीवार है जो 35-40 फीट दूर है, आप जो है ये डिफेंस से जब तक के नो ऑब्जेक्शन नहीं मिलता किसी किस्म का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, और ये धोखा दिया जा रहा है। और उसके बाद सामने जो है जो 3 फेज करंट जो है हमारे पास से जा रहा है, और वो जो है वक्फ लैंड है, करें 30% जो है वो वक्फ लैंड में वो जो है शामिल है। तो ऐसी सूरत में हमारे सलीम साहब की जिम्मेदारी है कि वो धोखा देने से अपने आप को परहेज करें, इसलिए आज जिंदा है, कल उन्हों जिंदा नहीं रहेंगे, किसी ना किसी कब्रिस्तान में आना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में आपका काम ये है कि ये मौके को आप गनीमत समझें, और आप ये डिक्लेयर करें,
आप पहले नक्शा बनाएं, जॉइंट रिपोर्ट करें, जॉइंट सर्वे का डिक्लेरेशन हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डिक्लेरेशन हो, डिफेंस जो है डिपार्टमेंट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो, और इमीडिएट आप 15 दिन और महीने में इसके अंदर आप इसको जो है डेवलप करने का ऐलान करें, वरना हम लोग वक्फ बोर्ड पे आएंगे, जमहूरी अंदाज से धरना देंगे, हम घेराव करेंगे और हमसे जो हो सकता है वो कार्रवाई करेंगे, ताकि वक्फ जायदाद की हिफाजत हो सके। पहाड़ी शरीफ की कितने हज़ार एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट में चले गई, और मस्जिद फारूक आज़म जो शहीद कर दिया गया, वहाँ कोई मस्जिद बनाने के लिए हमारा कोई कायद भी जो जद्दोजहद नहीं किया, ना हमारा MP मुतवज्जो होता, ना हमारा MLA मुतवज्जो होता, ना हमारा वक्फ बोर्ड मुतवज्जो होता। किस कदर बदनसीबी है, क्या ऐसे सख्त मौसम में कैब ड्राइवर जो है धूप में जुमा का नमाज पढ़ रहे थे। अब ये कब हम लोग जो है होश में आएंगे, तो बेहतर ये है कि हमको जद्दोजहद करना पड़ेगा और आवाम को बेदार होना है, और इन लोगों के ख़िलाफ़ खुसूसन पहाड़ी शरीफ के अतराफ व कनाफ में जो है लैंड ग्रैबर जो कब्ज़ा कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड से इनका चोरी दामन का ताल्लुक़ है, वो लोग जो है फौरन जो है बेदार हो जाएं और उस कब्ज़े को बर्खास्त करें, वरना कल आप याद रखिए, कल आपका खात्मा बिलखैर नहीं होगा। खुदा हाफिज़। Different culture, different traditions, different people, all under one roof, under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College, academic excellence with reasonable fee structure, excellent highly qualified faculty, well furnished and hygienic classrooms. I'm Partha Sardi, principal Success Junior College. Nowadays all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subjects. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.